और जो स्टॉक मैंने चुना है ऑटो एंसिलरी में वो है जमुना ऑटो। हमारा टारगेट है आज का 78 रुपये। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको मार्च के पहले हफ्ते में ये स्टॉक पहली बार बताया था, उस समय 53-54 के आसपास था। हमने 68 के टारगेट रखे थे, 65 तक आया, यानी 20% के रिटर्न हमारी पहली रिकमेंडेशन के बाद इस स्टॉक ने दी है। और मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा और नीचे आकर के मौका दे रहा है। इस समय इस सेक्टर का रंग जिस तरह से बदला है, आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है कि आप इस पर दाव लगाएं, खरीदारी करें। और अब नए टारगेट हम यहाँ पर 78 के दे रहे हैं। ये स्टॉक 16 के पी के आसपास है, जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन इस सेक्टर के वैल्यूएशन को देखते हुए काफी रीजनेबल है और यहां पर मौका जरूर बनता है। कंपनी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। देखिए पिछले दिनों में जब हम मान रहे थे कि ऑटो एंसिलरी पे दबाव है, स्टॉक गिरते हुए नजर आए, तब भी इसने करीब करीब 35% के आरओई लगातार सस्टेन किए हैं। और यही वजह है कि 13% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के पास है, क्योंकि बड़े फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट इस पे नजर रखते हैं और उन्हें लगता है कि ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे, ये ऑटो एनालिस्ट हमें बता रहे हैं। और पिछले 4 क्वार्टर का मैं आपको अगर इनका हिसाब बताऊं, करीब करीब 45% के आसपास की ग्रोथ इसने अपने सेल्स में हासिल करके दिखाई है पिछले 4 क्वार्टर के दौरान, तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ रही है। और मुनाफा इस दौरान करीब 33% बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और अच्छी बात जो इस कंपनी के साथ देखने को मिलती है कि ये 25-30% का एक डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन करती है, तो उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। और हाँ, जहाँ पर आप अब एक टर्न अराउंड होते हुए देख रहे हैं, जिन सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल्स में बड़ी गाड़ियों में उस पर इनका बड़ा एक्सपोजर है, तो जाहिर है कि उसी सेगमेंट से आपको अब एक मौका मिलेगा। तो पिछली बार हमने यहाँ पर इसकी कॉल ली थी, तब इसने करीब 20% के रिटर्न आपको कमा कर दिए हैं। ज़्यादा नहीं, 1.5 महीने पहले ही हमने इस पर दाव लगाया था और हमें लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान आपको ये यहाँ से भी ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो 78 है वो टारगेट जो हम इस वक्त चुन रहे हैं। श्रीकांत, चार्ट आपने देख लिया लगता है, बताइए। प्रदीप जी, वैसे जितने भी ऑटो एंसिलरीज हैं, इनमें हमने काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखा था अलॉन्ग विथ जितने भी ऑटो कंपनीज के स्टॉक गिरे थे उसके साथ साथ। और मुझे लगता है यहाँ पे वापस एक स्पेसिफिक बॉटम बन के इन सब में हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। हमें पुल बैक ही नजर आ रहा है, लेकिन वो पुल बैक काफ़ी शार्प रहेगा, क्योंकि जो करेक्शन था वो काफ़ी शार्प था। एक तो वहाँ पे क्लियरली रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस अपने 90 के करीब या एटलीस्ट 85-90 के रेंज में आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है, तो करंट लेवल से कॉन्फिडेंटली इसे बाय किया जा सकता है। अगर कोई करेक्शन किसी रीजन से अगर आए तो मुझे लगता है और ऐड किया जा सकता है तकरीबन 60 या 59 के करीब, और टारगेट्स हम 85 के रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए तेजी का कॉल टेक्निकली भी आता हुआ आपको ये तेजी दिखाएगा। हमारे टारगेट यहाँ पर 70। प्रदीप, अब आप